अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे द मोस्ट फेवरेट ऐप व्हाट्सएप के बारे में, जो कि आए दिन अपने फीचर्स को अपडेट करती रहती है, जो कि हमारे लिए सहूलत का बायस बनते जाते हैं। अब हम आपसे एक बहुत ही मज़े का फीचर शेयर करने वाले हैं, जो कि है मैसेज डिलीट करने के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि हम मिस्टेकनली कोई मैसेज भेज देते हैं, लेकिन हम उसको डिलीट करना चाहें तो वो सिर्फ हमारे इनबॉक्स से डिलीट होता है, सामने वाला बंदा उसको देख लेता है। लेकिन अब व्हाट्सएप ने एक ऐसा फ़ीचर मुतारिफ़ करवाया है जिसमें ये मैसेज दूसरा बंदा देखने से पहले ही ये मैसेज डिलीट हो जाएगा। हम आपको आज ये बताएँगे कि ऐसा कैसे होगा जी। तो अब हम चैट बॉक्स में चलते हैं और यहाँ आके हम देखते हैं, हम रैंडमली एक मैसेज सेंड करते हैं कुछ भी लिख के। अब हमने ये मिस्टेकनली सेंड कर दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये मैसेज जो है ये अगले बंदे को ना जाए, या हमारा कोई डेटा है, हमारी कोई पिक्चर है जो, या वीडियो है कुछ ऐसी जो कि मिस्टेकनली कहीं और चली गई है, तो हम उसको, ये सिर्फ लिखा हुआ मैसेज ही नहीं, आप वीडियो, पिक्चर्स, कोई भी मैसेज है वो आप ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने एक मैसेज भेजा है, इसको हम 1 सेकंड के लिए क्लिक करेंगे, मैसेज सेलेक्ट हो जाएगा। अब ऊपर आपको एक बिन नज़र आ रही होगी जो जिसमें डिलीट मैसेज का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगी, डिलीट फॉर एवरीवन, डिलीट फॉर मी एंड कैंसिल। अब डिलीट फॉर एवरीवन का मतलब ये है कि ये मैसेज हमारी तरफ से और सामने वाले बंदे की तरफ से भी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आप इसको प्रेस कीजिए एंड डिलीट फॉर एवरीवन, एंड देखिए कि ये मैसेज जो है दूसरे बंदे के इनबॉक्स से डिलीट हो चुका है, यानी उसने रीड नहीं किया और ये डिलीट हो गया। तो नाज़रीन, व्हाट्सएप ने बहुत सारी आसानियाँ हमारी ज़िंदगी में पैदा कर दी हैं, तो उम्मीद करती हूँ ये फ़ीचर आपको बहुत मज़े का लगा होगा। आप इसको ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और वीडियो के अच्छे होने का अंदाज़ा हम आपके लाइक्स और शेयर्स के साथ कर लेते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।